Now come to verse 2, square and square root. This chapter has also been taught by previous teachers. So I am also discussing some questions because some students were absent on that time. So be serious and see the video carefully. Question number 1. Find the square root. ये वर्सी 2 का है, देखिए क्या क्या पैटर्न है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं स्क्वायर रूट निकालने के, आपको सबका एक एक दो दो मेथड बता देंगे, बट यू हैव टू डू प्रैक्टिस योर सेल्फ। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर बाई रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड। ये ध्यान दीजिए, रिपीटेड वर्ड है, रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड, सबट्रैक्शन मेथड के द्वारा। तो जिसे देखिए, इसी में 1 का एक 5 क्वेश्चन है, 169, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कौन मेथड है? रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड। तो देखिए रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड में क्या होता है, देखिए आपको याद रखना है, 1 घटाना है, दूसरा स्टेप में 3, तीसरा स्टेप में 5, दो दो जोड़ते जाइए, 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 घटाएंगे, 9 2 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 15 17 19 21 23, इस तरह से 23 के बाद 25 घटाएंगे, 25 के बाद 27 घटाएंगे, फिर 29, फिर 31, फिर 33, तो ये सब नंबर को घटाना है। तो देखिए पहले 161 में क्या घटाएंगे, देखिए 160 में से 1 घटाए तो क्या आ गया 168, अब 168 आया, फिर 160 जो आएगा घटाने के बाद, 169 माइनस 1 168, फिर 168 बचा, 168 में क्या घटाएंगे, यहाँ देखिए 3, 168 माइनस 3 क्या हो गया 165, इसको याद रखना है। ऑड नंबर जितना है 135, सब ऑड नंबर सबको सीक्वेंस वाइज घटाना, तो पहले 1 के बाद 3 देखिए घटाया, तो 168 माइनस 3 165, अब 165 में क्या घटाएंगे, 5 घटाएंगे, 160 माइनस 5 क्या हो जाए 160, फिर 160 में से क्या घटाएंगे 7, 160 में से 7 घटाएंगे तो 153, फिर 153 में से क्या घटाएंगे 9, 153 में से देखिए 9 घटाएंगे क्या आ जाएगा 144, 144 में से 9 के बाद क्या घटाएंगे 11, 144 माइनस 11 133, 133 में से 13 घटाएंगे क्योंकि 11 के बाद क्या आता है 13, 11 के बाद 13 तो आएगा 120, फिर 13 के बाद क्या घटाएंगे 13 के बाद 15, 120 में से 15 घटाएंगे तो 105, 15 के बाद ऑड नंबर क्या होगा 17, 105 में से 17 घटाएंगे तो 88, 17 के बाद ऑड नंबर 19, तो 88 में से 19 घटाएंगे तो 69, 69 के बाद फिर ऑड नंबर क्या होता है 19 के बाद 21, तो 69 में 21 सबट्रैक्ट करेंगे तो 48, 48 में 23 सबट्रैक्ट करेंगे तो 25, और 25 में से 23 के बाद ऑड नंबर 25 घटाएंगे तो 0। तो देखिए कितना स्टेप में 0 आया, काउंट कीजिए, ये हुआ आपका एक स्टेप, फिर कॉमा है, फिर हुए दो स्टेप, फिर कितना हुआ 3 स्टेप, फिर कॉमा है 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप, 8 स्टेप, 9 स्टेप्स, 10 स्टेप्स, 11 स्टेप्स, 12 स्टेप्स, 13 स्टेप्स में 0 आ गया, लास्ट में 0 आना चाहिए, तो वी गेट 0 इन 13 स्टेप्स। हम 0 कितना स्टेप्स में पाते हैं, 13 स्टेप्स में हम 0 पा रहे हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 होगा 13, जितना स्टेप में हमको 0 आता है वही उस नंबर का स्क्वायर रूट होगा। तो इसमें और भी क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, फिर देखिए वर्स 3 अब आइए, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा कंडीशन है, पहला था रिपीटेड सबट्रैक्शन, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये 5 to 9, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 to 9, 5 to 9 देखिए ध्यान रखिए, न 2 से होगा, न 3 से, न 5 से, न 7 से, 7 के बाद न 11 से, 13 से, न 17 से, ये डायरेक्ट 23 से डिवाइड होगा, 23 प्राइम नंबर है, तो 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 23 आएगा,
फिर 23 को 23 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे, तो 1 को नहीं लिखा जाता है, तो 5 टू 9 को क्या लिखेंगे, 23 × 23, 1 लास्ट में जो आना था उसको नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखिए, ना कि इंटू 1 यहाँ लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, फिर कहिएगा सर हम समझे नहीं, सिर्फ 1 प्राइम नंबर नहीं है इसलिए 1 को नहीं लिखेंगे यहाँ, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो 23 × 23, तो 5 टू 9 का फैक्टराइजेशन कितना हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन 23 × 23, 5 टू 9 को लिखेंगे 23 × 23, अब स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट का साइन देंगे यहाँ पर, तो यहाँ भी स्क्वायर रूट का साइन देंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ बड़ा हो जाएगा क्योंकि 23 यहाँ से यहाँ तक है, तो इस लाइन को थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे, अब 5.529 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 23 दो बार आया है, पेयर बन गया, पेयर बनना चाहिए इसमें, तो पेयर बन गया, तो पेयर बन गया, तो ये दो पेयर है, पेयर है, 23 रिपीट हो रहा है, तो 23 दो बार आया है, तो इसको एक बार लिखेंगे और स्क्वायर रूट का साइन अब हटा देंगे, यहाँ स्क्वायर रूट का साइन है, इसमें अब स्क्वायर रूट का साइन नहीं होगा, यहाँ रहेगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है, और ये जो है पेयर में से जब एक लिखेंगे तो स्क्वायर रूट का साइन नहीं देंगे, इसको यहाँ पर नहीं देना है स्क्वायर रूट का साइन, सिर्फ 23 लिखना है, तो 529 का स्क्वायर रूट हो गया 23। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 6, 8281, तो 8281 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1183, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, चूंकि ये न 2 से होगा ना 3 से ना 5, डायरेक्ट 7 से होगा, तो ये आपको टाई करना पड़ेगा, 2 से तो एक वंस प्लस इवन होना चाहिए, 3 से कि सम ऑफ डिजिट जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 से होने के लिए वंस प्लस पर 0 है या 5 है, तो वंस प्लस पर ना 0 है ना 5 है, तो 5 से होगा नहीं, तो फिर 7 से टाई करें, तो 7 से टाई किए तो यहाँ आया 1183, फिर 7 से टाई किए तो यहाँ आया 169, तो 169 डायरेक्ट 13 से डिवाइड होता है, तो ये सब कुछ ऐसा नंबर है जो ध्यान रखना है, तो 13 से इसको करेंगे, 169 को 13 से, तो यहाँ जाएगा 13, फिर 13 से ये डिवाइड हो जाएगा, इसको 13 लेंगे यहाँ, तो यहाँ जाएगा 1, तो 8281 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 7 × 7 × 13 × 13, ये 1 नहीं लिखा जाता है, ये क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो 1 आप यहाँ नहीं लिखिएगा, अब इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का साइन देंगे, तो यहाँ भी स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे इसमें भी, तो स्क्वायर रूट 7 × 7 × 13 × 13, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8281, यह 1 है हो जाएगा, अब इसमें से पेयर में से एक एक लिखना है, पेयर बनना जरूरी है स्क्वायर रूट में, तो 7 दो 7 है तो एक 7 लिखे, दो 13 है तो एक 13 है, इंटू लिख दिए, स्क्वायर रूट का सिंबल हट गया, यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं दिया जाता है, जब पेयर में से एक लिखते हैं तो स्क्वायर रूट नहीं लगाते हैं, तो 7 × 13, तो 7 × 13 कितना हो जाएगा 91, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8281 होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा 91। अब क्वेश्चन नंबर 2, बाई व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 110 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर, क्या कहता है कि सब नंबर तो स्क्वायर होता नहीं है, जैसे 110 है तो ये इसका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर, नंबर तो बहुत है लेकिन उसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें, मस्ट बी मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आए वो क्या हो जाए, प्रोडक्ट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा 6, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, तो वो प्रोडक्ट क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो परफेक्ट स्क्वायर जब हो जाएगा तो उसी का कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन, तो जो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा फिर उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है, तो पहला पार्ट है कि बाई व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर, इसको किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें, मस्ट बी मल्टी, पहला पार्ट ये है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में दो पार्ट होता है, एक होता है कि स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड और मस्ट बी डिवाइडेड, तो यहां मस्ट बी मल्टीप्लाइड है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तरीका है वही, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 1100 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कोशेंट होगा 550, करके देखिएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 550 को तो हो जाएगा 275, अब देखिए वंस प्लेस पर 5 है तो 5 से करके देखेंगे, 275 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 55, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 11, और फिर
11 से 11 कैंसिल हो जाएगा तो 1, तो 110 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 5 × 5 × 11, 1 नहीं लिखा जाता है, ध्यान दीजिए, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। अभी अब देखिए इसका पेयर बनाइए, 2 का पेयर बन गया, 5 11 का पेयर नहीं बन रहा है, और स्क्वायर रूट में क्या होना चाहिए, पेयर बनना चाहिए। तो अगर हम इसको 11 यहां पर इंटू कर दें तब तो पेयर बन जाएगा, 11 दो बार आना चाहिए, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, द स्मॉलेस्ट नंबर बाई 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 विच बाई विच 110 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। तो अब किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहां क्लियर हो गया, प्राइम फैक्टर जब कि या पेयर बनाए तो इसका प्राइम फैक्टर करने के बाद पेयर बनाए तो 11 का पेयर नहीं बन रहा है, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर हो जाएगा। तो पहला पार्ट का आंसर होगा कि द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 110 मस्ट बी मल्टीप्लाइड इक्वल टू 11, तो 11 हमको चाहिए यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर, तो 11 हो गया, क्योंकि 11 मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा, पेयर बन जाएगा, स्क्वायर रूट में पेयर बनना चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर पूछता है, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा, तो इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 110 को 11 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 12100, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो इस परफेक्ट स्क्वायर का कहता है स्क्वायर रूट। तो पहला पार्ट ये पूछता है कि बाय विच नंबर स्मॉलेस्ट नंबर दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड, तो पहला पार्ट हो गया ये 11 आ गया, क्वेश्चन में भी आपको था, यहां पर देखिए कि बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 110 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, तो ये भी क्वेश्चन ही है कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो ये पहला पार्ट मिल गया कि स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 110 मस्ट बी मल्टीप्लाइड 11, परफेक्ट स्क्वायर हो गया 110, 11 स्मॉलेस्ट नंबर है उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1210। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर रूट किसका होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसका प्राइम फैक्टर, तो इसका प्राइम फैक्टर दोबारा नहीं करना, देखिए ऑलरेडी किया हुआ है, 2 × 2 × 5 × 5 × 11, और एक 11 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पर तो इंटू 11 अपने मन से यहाँ लिख देंगे, जिस जो स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ रहेगा उसको यहाँ इंटू 11 कर देंगे, तो हो गया, अब पेयर बन गया, देखिए ये नंबर भी 110 था जो हो गया 12100 और 12110 हुआ, तो इसमें एक 11 जो यहाँ कम था वो एक 11 यहाँ बढ़ गया, तो यह पेयर बन गया। अब इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे, सिंबल देंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, सिंबल देंगे, तो यहाँ भी पूरा स्क्वायर रूट का सिंबल दे देंगे, इसमें स्क्वायर रूट देखिए 2 × 2 पूरा स्क्वायर रूट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, 2 × 2 × 5 × 5 × 11 × 11। अब इसका स्क्वायर रूट है हटाना है हमको, इसमें तो स्क्वायर रूट रहेगा चूंकि स्क्वायर रूट निकालना है, इसमें हटाना है, तो पेयर बना लेंगे और इस पेयर में से एक एक, जिसे 2 कितनी बार आया है 2 तो एक बार लिखेंगे, फिर इंटू 5 कितना बार आया है 2 तो एक बार लिखेंगे, 11 कितना बार आया है 2 तो एक बार लिखेंगे, तो 2 × 5 × 11। अब यहाँ स्क्वायर रूट का सिंबल नहीं होगा इसमें, ये ध्यान रहे, बहुत सारे लोग यहाँ भी स्क्वायर रूट का सिंबल देते हैं, जब पेयर में से एक लिख रहे हैं तो ये स्क्वायर रूट यहाँ नहीं होगा, हट जाएगा, 5 × 2 = 10 11 कितना हो जाएगा 110, तो इसका स्क्वायर रूट 110। तो ये लास्ट ऑप्शन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 5184। मेंसुरेशन में भी आप पढ़े कि किसी स्क्वायर फील्ड है जिसका चारों साइड इक्वल होता है स्क्वायर का, उसका एरिया दिया है 5184 मीटर स्क्वायर। ए रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसका एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर स्क्वायर में अंतर होता है, ये स्क्वायर फील्ड का एरिया है, और कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ जो है इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसका लेंथ ब्रेथ से दुगुना है, और हैज इट्स पेरीमीटर, और रेक्टेंगुलर फील्ड का जो पेरीमीटर है वो इक्वल है किसके पेरीमीटर के, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, तो स्क्वायर फील्ड तो यही है, तो स्क्वायर फील्ड के पेरीमीटर के इक्वल है, यानी रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर और स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर सेम है, तो पेरीमीटर पहले रेक्टेंगुलर फील्ड का निकालेंगे, तो रेक्टेंगुलर फील्ड का तो ब्रेथ है नहीं, ब्रेथ से कहता है लेंथ जो है ब्रेथ का क्या है, दुगुना है, तो दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो देखिए
पहले लिखेंगे कि लेट ब्रेथ ऑफ फील्ड इक्वल टू एक्स मीटर। तो लेंथ ऑफ फील्ड क्या कहता है, रेक्टेंगुलर फील्ड का जो लेंथ है वो ब्रेथ का क्या है, दुगना है। रेक्टेंगुलर फील्ड हु जी लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का दुगना है। तो ब्रेथ ऑफ फील्ड एक्स मीटर, तो लेंथ ऑफ फील्ड टू एक्स मीटर, दुगना कह रहा है। तो पेरीमीटर ऑफ लेंथ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या हो जाता है, फॉर्मूला टू इंटू एल प्लस बी। तो टू इंटू एल का वैल्यू क्या है यहाँ, टू एक्स, और प्लस बी का वैल्यू एक्स, तो टू इंटू थ्री एक्स सिक्स एक्स हो गया मीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू सिक्स एक्स मीटर। अब कह रहा है यहां पर कि स्क्वायर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ हैज इट्स पेरीमीटर। स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर किसका कहता है, कि इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, माने रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है स्क्वायर फील्ड के पेरीमीटर के क्या है, इक्वल है, दिया हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगुलर फील्ड कितना है, सिक्स एक्स मीटर। तो इसका मतलब कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड भी कितना होगा, सिक्स एक्स मीटर। क्वेश्चन के अनुसार तो ही होगा, तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए ऑब्लिक यू, कि दोनों का पेरीमीटर सेम कह रहा है क्वेश्चन में। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर सिक्स एक्स मीटर है, तो स्क्वायर का भी पेरीमीटर कितना होगा, सिक्स एक्स मीटर। अब आगे बढ़ेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना दिया, 5184। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड 5184 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5184। अब इधर स्क्वायर हटाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 5184 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो साइड इक्वल टू, अब 5184 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो प्राइम फैक्टर के द्वारा भी निकाल सकते हो। 5184 देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2592, फिर 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ 2592 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 1296, फिर 1296 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 648, फिर 648 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 324, फिर 324 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 162, फिर 162 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 81, फिर 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 27, फिर 27 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 9। ऐसा नंबर लेंगे जो डिवाइड करे, फिर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ तो 1। तो ये ऐसा देखिए 5184 का ये सब प्राइम फैक्टर होगा। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार, 2 आया है 6 बार, और 3 आया है 1 2 3 4, 3 आया है 4 बार। ये 1 नहीं लिखा जाता क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 आया 6 बार और 3 आया 4 बार, तो साइड इक्वल टू, अब इसका प्राइम फैक्टर देखिए, 2 को 6 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये रूट है यहाँ पर, इस रूट के अंदर लिखेंगे 2 को 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 3 को 4 बार आया है 3 1 2 3 4, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार लिखेंगे। तो साइड इक्वल टू, अब यहाँ स्क्वायर रूट है, अब पेयर बनाएंगे, इस पेयर में से 1 2 लिख लिए, इस पेयर में से 1 2, इस पेयर में से 1 2, इस पेयर में से 1 3, और इस पेयर में से 1 3। अब पेयर में से एक एक लिखे, अब स्क्वायर रूट इसमें, अब इसमें स्क्वायर रूट का सिंबल यहाँ नहीं देना है क्योंकि पेयर में से एक एक लिख चुके हैं। अब साइड इक्वल टू, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 3 जा 72 मीटर। तो देखिए ये एरिया से हम साइड, एरिया साइड निकालने का यही तरीका है, तो साइड हमने निकाल लिया 72 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड लिखेंगे। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 6x मीटर, क्योंकि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा वही स्क्वायर का क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना है, 6x यहाँ, आई इक्वल टू 4 इंटू, साइड कितना निकल गया 42, तो 4 इंटू 72, तो इम्प्लाइज x इक्वल टू 4 इंटू 72, ये 6 इधर डिवाइड कर देगा तो 4 इंटू 72 बाई 6, अब ये 6 यहाँ आ गया तो 1 यहाँ रह जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा 12 6 जा 72, ये 72 6 डिवाइड होगा तो यहाँ 12 होगा, 12 4 जा 48, तो x निकल गया 48। तो व्हाट इज x, x क्या है, ब्रेथ ऑफ फील्ड x मीटर। देखिए इसका मतलब कि ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया 48 मीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना है, ब्रेथ का दुगना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना है, 2x मीटर,
तो ये कितना है 2x, तो 2 × 48 = 96 मीटर। तो ब्रेथ निकल गया रेक्टेंगुलर फील्ड का 48 मीटर और लेंथ हो गया रेक्टेंगुलर फील्ड का 96 मीटर। तो पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो रेक्टेंगल का एरिया होता है। इक्वल टू लेंथ कितना है 96 मीटर और ब्रेथ है यहाँ 48 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4608 मीटर स्क्वायर होगा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हो जाएगा 4608 मीटर स्क्वायर। यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है।